मम्मी मैंने बोला ना, मैं सलीम से प्यार करती हूँ और सलीम से ही शादी करूंगी। बेटा ये लड़का ठीक नहीं है, तुम हमारे साथ घर चलो, ये समाज स्वीकार नहीं करेगा। चलो बेटा घर चलो। क्या तुम बोल रही हो? मम्मी आपको समझ क्यों नहीं आ रहा, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, मैं सलीम से प्यार करती हूँ और इसे शादी करूंगी, और मैं हिंदू मुस्लिम नहीं मानती हूँ, मैं इसे शादी करूंगी, इसी में सारी मेरी सारी दुनिया, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। इज्जत का सवाल है बेटी, घर चलो बेटी, पढ़ने के लिए तुमको भेजे, क्या तुम बोल रही है? और तुमको कोई दोस्त नहीं मिला सलीम छोड़ के दूसरे से प्यार करती? मम्मी आप जाओ यहाँ से, मुझे नहीं जाना आपके साथ, और यहाँ दोबारा नहीं आना। क्या बेटी तुम बोल रही हो? मम्मी पापा को ठेस पहुँचा दियो, कहती हो कि तुम मत आना। बेटा मत ऐसा मत बोलो, मम्मी पापा कैसे हम लोग रहेंगे, कितना तुमको लाल प्यार से पोसे बेटा। मम्मी आप जाओ यहाँ से, मुझे इसी के साथ रहना, जाओ मम्मी, जाओ मम्मी, जाओ यहाँ से, जाओ मम्मी, जाओ यहाँ से, मम्मी जाओ यहाँ से, जाओ मम्मी। क्या जमाना आ गया, बच्चे को पढ़ने भेजिए तो बच्चे प्यार करने लगते हैं, बच्चे को पढ़ने भेजिए, हम लोग परेशान हो रहे हैं, अब हम क्या कर सकते हैं? ये मेरी बच्ची जो है बहुत परेशान कर रही है। क्या तुम कर ली, क्या कर ली तुम, यह हमको समझ में नहीं आता। एहसास होगा अभी तुमको समझ में नहीं आता है कि तुम क्या करने जा रहे हो, तुम हमको और पापा को कितना ठेस पहुंचाई बेटा, तुमको एहसास अभी नहीं, तुमको बाद में समझ में आएगा एहसास क्या करने जा रहे हो, क्या की, क्या कर बैठी हो। सलीम मैं अपना घर छोड़ के आई तुम्हारे साथ रहने के लिए, अब हमें शादी कर लेना चाहिए। हाँ कर लेंगे शादी, इसमें जल्दी क्या है, कर लेंगे शादी, आराम से कर लेंगे। तो कब करेंगे शादी, अब कितना टाइम हो गया? कर लेंगे सदा, ऐसे तुम उदास नहीं रह रहा, तुम खुश रहो और बहुत अच्छी लगती हो, कर लेंगे शादी। मतलब तुमको मेरे पे भरोसा नहीं है? भरोसा है, तभी अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर तुम्हारे पास आए हैं, अब तुम्हें शादी करना होगा। अच्छा नहीं करेंगे शादी, तो नहीं करेंगे शादी, क्या करोगी अपने फैमिली को बुलाओगी या पुलिस को बुलाओगी? नहीं करेंगे शादी, जो करना चाहो क्या कर लोगे? फूलों की तरह तुझको संभाला है हमेशा, कांटों की तरह इबादत नहीं करना मेरी बेटी। 35 टुकड़े होके पहुंच जाए जो फ्रिज में, तू ऐसी मोहब्बत कभी करना नहीं मेरी बेटी। नमस्कार दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और
खास करके महिमा का एक्टिंग और अंटी माँ का एक्टिंग आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ओवरऑल आप इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या विचार रखते हैं, धर्म के साथ कहीं भी मजाक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहा गया कि एको धर्म परम श्रेय, एक धर्म ही सबसे श्रेष्ठ होता है, इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं और हमारा ये प्रयास, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।